जे गुरु साहबान वाहिगुरु कहंदे सी वो किस नूं गुरु कहंदे सी? वाहिगुरु गुरु साहब ने तो वरतिया ही नहीं शब्द नहीं बनता। गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक किसी ने वाहिगुरु शब्द नहीं, वाहिगुरु तो शब्द ही नहीं बनता। वाह फारसी का शब्द है जी, गुरु भारतीय भाषावां का शब्द नहीं। वैसे लोगों ने बनाता, कथाकारों ने बना दिता, जिन्होंने धर्म बनाया, जिन्होंने मजहब बनाया, क्योंकि हर मजहब धर्म के झूठ भरिया होंदा, गप्पां भरिया होंदियां। वाह असं कहते हैं वाह गुरु। गुरु का मतलब जे तुसीं मेरे टीचर आ, मैं तुहानूं कहता जी बहुत बड़े महान मेरे गुरु ने, पर गुरु साहिबान ने जिहड़ा गुरबाणी च गुरु आउंदा वो ब्रह्मांड वास्ते। तां वो एक जिहड़ा कथन आउंदा है कि निर्मल पंथ चलाया, तो फिर वो कहते भी इन्हां दी भी ना मन्नीए, तो जे इन्हां दी ना मन्नीए फिर जिन्ने हजूरी कवि होए ने उन्होंने जो कुछ लिखिया फिर असीं मन्नीए की? तुसीं ऐ कह रहे हो ना कि ये गुरु साहिबान ने नहीं किया, बहुत सारिया चीज़ां होरां वल्लों लिखिया गई ने, आपां इह कह के जे छांटण लग जाइए कि गुरु साहिबान ने की किया की नहीं किया। वो लिखिया ही तां गईयां कि गुरबाणी वल्लों ध्यान हटाउण वास्ते, कि जो गुरबाणी विच लिखिया गया वो मजहब धर्म नूं प्रमोट नहीं करता, मजहब धर्म नूं नकारदा। गुरु साहब ते अल्लाह राम भगवान ने जे गॉड उहदे कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि बंदे नहीं सी इहनूं, वो ब्रह्मांड नूं बंदे सी। ये ब्रह्मांड सारा जिहड़ा है उहदे विच मनुख एक जीव है, तो इस जीव का उस ब्रह्मांड के नाल की रिश्ता है। बहुत सारे लोग कमेंटा भी कह रहे थे कि ये तो ढड्रियां वाले वाली गल्लां कर रहा है, मिस इंटरप्रैट तो ये आप कर रहा है गुरबाणी नूं। पहला तुसीं लोकां नूं कह रहे हो, लोग तुहानूं कह रहे हैं कि मानववाद का फलसफा उहदे विच मजहब धर्म है ही नहीं है। तो इतने ढड्रियां वाले जो उन्होंने लोगों ने तो आप गुरुद्वारे खोले हुए हैं जी, आप तो परमेश्वर द्वार नाम के गुरुद्वारे खोले हुए हैं, लोगों को कहते धर्म मधुम बनो ना, ये नहीं है। असं ये कहने कि गुरबाणी नूं समझो, जो गुरबाणी का फलसफा वह मजहब धर्म नूं नकारदा है। कि सिख भाईचारे का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्कॉलर, कोई विद्वान, कोई जानकार वो मेरे सामने बैठ गया, असीं बैठ के डिस्कस कर लवेंगे। वो मैनूं कन्विंस करा देना, मैं उन्होंने कन्विंस कराने की कोशिश करूँगा, मैं अपने विचार दूंगा, पर प्रेम नाल, भाईचारे नाल। बाबा नानक ने सिख पंथ नहीं तोड़िया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं किया गुरु मान्यो ग्रंथ। ये विचार साढ़े पिछले इंटरव्यू के विच इकबाल सिंह ढिल्लों होना वालों साझे किए गए सी। इन्हां दे पिछे तर्क तत्थ भी उस उत्ते भी चर्चा हुई सी, पर जदों ये इंटरव्यू ऑन एयर होया तो कई सारे सानू सवाल आए। हालांकि असी दूजे पास्यों जो विचारधारा सी उन्हां दा भी एक इंटरव्यू किया, वो भी लोगों तक पहुँचया। पर फिर भी अज इकबाल सिंह ढिल्लों होनी साडे नाल ने, कुछ कुछ सवालों के जवाब मैं भी उन्हां तों जो कि लोगों ने सानू कहा कि ये सवाल जरूर उन्हां तक पहुँचाओ, असी इन्हां दा जवाब चाहुंदे आ, तो वो सवाल जरूर मैं उन्हां तों पुछांगा। ढिल्लों साहब बहुत बाबा नानक ने सिख पंथ नहीं चलाया, तो इस उत्ते आपां सारी चर्चा वड्डी चर्चा कीती सी, उन्हां गल्लां दे विच आपां नहीं जावांगे। धर्म की परिभाषा की चर्चा भी हुई, पर हुण एक सवाल जिहड़ा कीता गया, तुसीं कहा कि उदासियां ते निर्मलियां ने सारियां किताबां लिखियां जो सिख लिटरेचर आ या हिस्टरी आ, बहुतियां उन्हां चों उदासियां या निर्मलियां ने लिखियां, उन्होंने ब्राह्मणवाद विच पाया, तो ये सारा जो अज प्रचलित धर्म है उन्हां वल्लों ये परंपरावां तोड़ियां गईयां। पर सवाल ये भी आउंदा कि फिर जिहड़े हजूरी कवि सी जो गुरु साहिबानां दे वख-वख समियां ते जो कि उदासियां तो या इन्हां तो पहिलां दे सी, जां कह लईए कि जदों इन्हां दे हत्थे ताकत सी उन्हां तो पहिलां दे सी, तां जिवें कि उदाहरण दे तौर ते भाई गुरदास दा नाम आउंदा, तो वह गुरु साहबान के हजूरी कह लीए कवि से उन्होंने कोल ही होंगे सी, उन्होंने हाजरी के बहुत गल्लां लिखिया गई। तो वह एक जिहड़ा कथन आता है कि निर्मल पंथ चलाया, तो फिर वो कहें भी इन्हों की भी ना मनीए, तो जे इन्हों की ना मनीए फिर जिन्ने हजूरी कवि हुए ने उन्होंने जो कुछ लिखिया फिर असीं मनीए की? फिर तो तुसीं सारे ग्रंथ साहिब नूं कह रहे हो कि इहदे विच गुरु साहिबान ने नहीं किया। गल है जी कई सारे सवाल इहदे विच आ गए। देखो जी हजूरी कवि की गल हैगी है ना, हजूरी कवि गुरु साहब ने कोई हजूरी कवि नहीं रखे है, उन्हें कोई नहीं सी। तुम चलो आप बाद गुरु गोबिंद सिंह जी नाल तो कहा जाता ना 52 कवि सीगे जी, वो 52 कवि सीगे, वो कवियों की कदर करते थे, कवियों अपने कोल रखते थे, उन्होंने का अपना लिटरेरी टेस्ट सीगा, तो वो कविता नूं जां किसी नूं करते थे, पर वो कितना कुछ करते थे उसदे बारे सानूं कोई जिहड़ा कहने आर्कीटैक्चरल जां उहदे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साडे कोल कोई नहीं है। थोड़ी जी किताबां जरूर हैगियां जिदा भाई नंद लाल जी दी हैगी है, जां कवि सेनापत जी दी हैगी है, जो कुछ हैगियां ने, बाकी बादबाड़ी जिहड़ी वो आपां अलग गल करांगे। जित्थों तक भाई गुरदास जी है वो कोई हजूरी कवि नहीं सीगे, वो तो गुरु अर्जन जी के मामा जी से रिश्तेदार से, उन्होंने कोल रेंदे सी, वो उन्होंने तुसीं ला लो भी श्रद्धालु भी सीगे। तो उन्होंने गुरु के तौर पर उन्होंने इज्जत मान भी करते सी। भाई गुरु रामदास जी की भी, उस बाद फिर गुरु अर्जन जी की, उस बाद गुरु हरगोबिंद जी के नाल भी रहे है। तो वो अपनी जिहड़ी रचना करते सी, काव्य रचना करते सी। उन्होंने कई तरह की रचनावां कीतियां। जितों तक मैं उनकी स्टडी की, उहदा अध्ययन किया, उन्होंने जिहड़ी रचना दा भाई गुरदास दी, उहदे ब्राह्मणवादी जिहड़ा तत्त ना बहुत ज़्यादा है। मैं समझदा कि शायद यही कारण सीगा कि गुरु अर्जन जी, कहा जाता कि गुरु अर्जन जी के जिहड़े अगों लिखण वाले सीगे ना, जिहड़े कातब जिन्हों असीं कहने उहदे लिखदे सीगे, वो भाई गुरदास भी उन्हां चों एक सी। जां भाई गुरदास ने सारी बीड़ लिखी सीगी। ते वो भाई गुरदास जिहड़े लिख रहे सीगे, उहनां दे कोल उहनां नूं पता सी वी भी रचना करदे आ, फिर उन्होंने रचना क्यों नहीं शामिल की ग्रंथ बाकी होर लोगों ने की है। इन्हें जो 36-37 समझा जा सकता कि फैसला गुरु साहबान का। मैं यही लाना, मैं कन्विंसड इस गल पर कि वो जड़ा मैं जी हूँ तो साढ़े को समा थोड़ा, तो मैं वो जो उदाहरण दे सकता। उन्होंने उदाहरण एक यही है कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। हूँ पंथ जो लफज है ना, ये बड़ा दुबदा वाला है, ਇਹਦੇ कई अर्थ निकलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਾ, ਉਵੇਂ ਪੰਥ ਦਾ मतलब ਆ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ मतलब ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। मैं जो कहना कि गुरु नानक ने कोई धर्म नहीं चलाया, मैं कहना कि गुरु नानक ने कोई रिलीजन या मजहब नहीं चलाया। तो जो सिख धर्म है मजहब है, जो अज सिख धर्म मनिया जा रहा है, यह मजहब है, यह रिलीजन है। ये जो होर धर्म के अर्थ लै जाते वो नहीं है। यानी कि एक आइडियोलॉजी चलाई कह सकते हैं। हाँ जी, आइडियोलॉजी। उन्होंने एक फलसफा दिता, मैं उन्होंने मानववाद का फलसफा कहना। एक मनुखी भलाई का, मनुखी सरोकारां नाल संबंधित मनुख के सामने रख के उन्होंने एक फलसफा दिता है। ब्रह्मांड के विच मनुख नूं रख के मनुख की भलाई वास्ते फलसफा दिता है, सिर्फ इन्ना क दिता। और वो सारा गुरबाणी में मिलता। हुण तुसीं कहंदे हो भी उन्होंने जिहड़ी बाकी लिखता है उन्होंने आपां ना पढ़ीए। उन्होंने जो साढ़े को गुरबाणी हैगी, पहले गुरबाणी नूं तां समझ लैंदे। तुसीं ऐं कह रहे हो ना कि गुरु साहिबान ने नहीं किया, बहुत सारिया चीज़ां होरां वल्लों लिखियां गईयां ने। आपां इह कह के जे छांटण लग जाइए कि गुरु साहिबान ने की किया की नहीं किया, छांटण दी गल नहीं। वो लिखियां ही तां गईयां कि गुरबाणी वल्लों ध्यान हटाउण वास्ते, कि जो गुरबाणी विच लिखिया गया वो मजहब धर्म नूं प्रमोट नहीं करदा, मजहब धर्म नूं नकारदा जी। ना हम हिंदू ना मुसलमान, गुरबाणी दे विच लिखिया होया जी। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। हुण अल्लाह राम की है, राम तो हिंदुओं का जो आप लाया जाए तो अल्लाह गुरु साहब है, तो अल्लाह राम भगवान ने जो गॉड वो कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि बनते नहीं सन, वो ब्रह्मांड में बनते थे। ये ब्रह्मांड सारा जोड़ा है वो मनुख एक जीव है, तो इस जीव का उस ब्रह्मांड के नाल की रिश्ता है, सारी गुरबाणी इस फलसफे के उत्ते भरी पई है। तो गुरबाणी का फलसफा अलग है जे ये, पर यह फलसफा सारे मजहबां नूं हिट करता है। जिन्हें मजहब धर्म है, ह्यूमनिज्म मानववाद अज भी जो है वह मजहब धर्म को नकारता। कुल मिला के समझा जाए कि तुम कह रहे हो कि गुरबाणी को हुण तक प्रचारकों वल्लों या संगतां वल्लों खुद भी मिसइंटरप्रेट कर लिया गया। बिल्कुल, पहला तो उन्होंने समझा नहीं गया, फिर जदों सिख धर्म चल पिया उहदे उदासियां ते निर्मलियां ने अपने किताबां लिखा के, अपना साहित्य लिखा के, तो गुरबाणी का जो फलसफा उन्होंने उल्टा दिता। ट्रांसलेशन भी इहो जी कर लिया, व्याख्या भी इहो जी कर लिया। तो फिर वो जो सिख धर्म के लोग ने वो तो उन्होंने मानते हैं, वो फिर गुरबाणी की जी इंटरप्रिटेशन वो भी उसके मुताबिक करते हैं कि आ देखो जी नाम वो भी है। मैं जिदा हम अल्लाह राम, अल्लाह राम के, अल्लाह राम के पिंड प्राण, पिंड का मतलब तो शरीर, मेरा शरीर तो ये अंदर जो मेरी जी प्राण है, मेरी जी होंद है, ये सारी उस ब्रह्मांड के नाल जुड़ी हुई है। तो ये तो साइंस भी अज साबित कर दी कि सारे ब्रह्मांड का जो सिस्टम चल रहा है असं पंज तत्तों के विचों जो शरीर निकलिया। बहुत सारे लोग कमेंटा के भी कह रहे थे कि ये तो ढड्डरियां वाले वाली गल्लां कर रहे हैं, ढड्डरियां वाली मिसइंटरप्रेट तो ये आप कर रहा है गुरबाणी नूं। पहला तुसीं लोकां नूं कह रहे हो, लोग तुहानूं कह रहे हैं, पर वो देखो वो दो पासे चलदे हैं। नाले तो सिख धर्म नूं भी मन्नी जा रहे हैं जी, ढड्डरियां वाले दी गल। हाँ, नाल ये भी कही जा रहे कोई जो गुरबाणी वो जी रैशनल जी है, तर्कशीलता लियाओ। मैं ये नहीं कहता, मैं कहना कि गुरबाणी जी ना यह प्योरली तर्कशील फलसफा है, मानववाद का फलसफा, वो मजहब धर्म है ही नहीं है। तो टड्डरियाँ वाले जो उन्होंने लोगों ने तो आप गुरुद्वारे खोले हुए हैं जी, आप तो परमेश्वर द्वार नाम के गुरुद्वारे खोले हुए हैं, लोगों को कहते धर्म मजहब में बनो ना, ये नहीं है। असं ये कहने कि गुरबाणी को समझो, जो गुरबाणी का फलसफा वो मजहब धर्म को नकारता है। तो पहला इस गल नूं समझ लवो, फिर तुहानूं जो उदासियां ते निर्मलियां दे लिखियां हुई सारिया लिखतां का पता लग जाएगा। भाई गुरदास तो लैके भाई गुरदास तो लैके उस तो बाद फिर जी 18वीं सदी जन्म साखियां लिखी गई, फिर जोड़े रहसनामे लिखे गए हैं, फिर मुड़ के बाद सूरज गुर प्रताप सूरज ग्रंथ है संतोख सिंह का, जो गुरबिलास पातशाही छेवीं है, जो मुड़ के फिर ज्ञान सिंह का जोड़ा है पंत प्रकाश या बाकी है, वो सारिया का पता लग जाएगा कि वो गुरबाणी की जोड़ा सिक्ख्या है उन्होंने उल्टाने वास्ते लिखिया गई है, तो उल्टा वो कामयाब हो जाए। जे कोई वखरेवा रखे तो वह कहे कि मैं इकबाल सिंह ढिल्लों होना मैं साबित कर सकता कि तुसीं गलत व्याख्या दे रहे हो। नहीं, ये तो देखो आमो सामने बह के गल होंगी है। हुण उदों भी एक साडी वन साइडेड ही मैं कह दिता, वो अगला मैनूं ठीक है मेरी गल नूं सारे तो मान नहीं लैणगे, पर वो अपने आर्गूमेंट देवे, आपां इदां ही सामने बैठीए। मैं तो इस गल दा चैलेंज तो नहीं मैं कहूँगा, मैं बेनती करदा कि सिख भाईचारे दा कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्कॉलर, कोई विद्वान, कोई जानकार वो मेरे सामने बैठ जाए, असीं बैठ के डिस्कस कर लवांगे। वो मैनूं कन्विंस करा देना, मैं उन्होंने कन्विंस कराने की कोशिश करूँगा, मैं अपने विचार दूँगा, पर प्रेम नाल, भाईचारे नाल। हुण कोई भी धार्मिक जिहड़े लोग ने फिरका हैगा उहदे लोग सीधे गाली गलौज ते आ जांदे, क्योंकि उन्हां कोल दलील नहीं हुंदी। तो जो गुरु साहिब ये फलसफा कित्थों लिया उन्हां ने? हाँ जी, ये फलसफा कित्थों ले लिया? ये पुछा जाए जिहड़े गालां कढदे ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੇੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। कि जे तुहानू मुखिया भी मारे, तुहानू कोई अटैक भी करे, तुहाडा दिल भी दिखावे, तो तुसीं उन्होंने रिटैलीएट नहीं करना, तुसीं उहदा प्रतिक्रम नहीं देना, सगों उहदे पैर चुमने ने। कित्थे बाबा फरीद जी ये कह रहे ने, गुरबाणी ये कह रही है, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का हो, जे तुसीं फिक्का बोलदे हो तुहाडा तन भी फिक्का गया ते मन भी गया। तो इतने गाली गलोच तो बिना गल नहीं करते। मैं उदाहरण देनी चाहूँगा भी, मेरे को एक बड़ी वड्डी उदाहरण है कि किवें सिख धर्म वाले लोग गुरुआं दे उल्ट चलते हैं, गुरु साहब की सिक्ख्या ते नहीं चलते। मैं दावे नाल ये कहना इस गल जी। तो मैं एक इंटरव्यू की जो कि तुहाडे इंटरव्यू के जवाब वजों सी, उन्होंने एक सवाल ये भी किया कि जिहड़े बंदे ने अपने जीवन दे विच अध्यात्म लिआंदा ही नहीं, जिन्हें उस तरीके की विचारधारा या उस तरीके दे मान लो कि वो पाठ नहीं करता या वो एक अध्यात्मक जीवन नहीं जी रहा, तो वो किवें इन्हां सारी चीज़ों उत्ते कमेंट कर रहा? बार बार ये सवाल चुकया गया उस इंटरव्यू दे विच। मेरे को जवाब है जी, इहदा जवाब है कि मैं नहीं मन्निया, जदों मैं मजहब धर्म नूं मनदा ही नहीं है, मैं फिर पाठां 'च क्यों पाऊँगा, जपां दे विच क्यों पाऊँगा? गुरु साहब ने इन्हां सारियां चीज़ां दा रौह रीतां दा कंडैम कीता, उन्होंने कहा कि कोई इहदी लोड़ नहीं हैगी, चंगे कर्म करो। जप का मतलब है समझना, उन्होंने समझना तो समझ के अमल करना। जप का मतलब यह नहीं है भी बार बार वाहिगुरू 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 करना, ये राम 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 करना। जप का मतलब यह नहीं है, जप का मीनिंग तुम डिक्शनरी च देखो, जप का मतलब है कि समझो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਪ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਾਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਇਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਲਘੂ, ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ कुछ थावां नूं छड्ड के जे आपां कह लईए तां कोई 1-2% नूं छड्ड के 98-99% तक गुरु शब्द जिहड़ा हैगा गुरबाणी च आ रहा है, वो ब्रह्मांड वास्ते आ रहा है। ब्रह्मांड वड्डा 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 शब्द बहुत आया है। तां किते सारी गुरबाणी दे विच जदों गल हुंदी है तां जिथे वाह ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। पर बाकी जी गुरु साहबान की जी रचना है या भगतान की रचना हैगी वो वाहिगुरू शब्द कितने नहीं आया। तो उन्होंने रचना के कितों आया जी? वो एक अलग विषय वो कर सकता पर वो अलग विषय बन जाएगा जी। सो ये इकबाल सिंह ढिल्लों जी जिन्हों ने कई सारे सवालों के जवाब भी दिते जो जो सवाल लोगों के विचों ही पैदा होकर इत्थे तक आए। तो तुसीं कमेंट बॉक्स के विच अज दी चर्चा बारे भी अपने विचार साझे कर सकते हो, अपने कमेंट साडे तक पहुँचा सकते हो। तो जिमें उन्होंने कहा कि जे कोई इस उत्ते चर्चा करना चाहे तो उसलिए भी जोड़ा की है वो सदा देंदे ने या उसलिए भी वो तैयार ने। ब्राउज़ डेली टीवी पंजाब अनकट नूं फॉलो करो। तद तक दे लई मैनूं करन हांडा नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।